वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। आज हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ रहता है टोटल रिस्पांस का रहता है। तो आज हम टोटल रिस्पांस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल इसमें अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो In today video, we are going to understand the total response. Total response that is represented by the yn is equal to yn, that stands for natural response, and yf stands for the forced response. So yf or yn, जब separately हम नहीं निकालेंगे तो उस समय हम जो हमारा पूरा जो process है निकालने का yn और yf उसी को follow करेंगे। So total response can be found in the same way as the forced response by using actual initial conditions. So instead of zero initial conditions. तो जब हम total response की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ एक numerical भी consider किया है, यहाँ पे हम total response की बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक system define किया है और उस system में हमने understand किया है कि हमारे पास एक difference equation given है, कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है, कुछ इनपुट गिवन है और हमें वाई एन निकालना है। सो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर सेपरेटली वाई एन और वाई एफ नहीं निकाल रहे हैं। तो जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, सो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेचुरल रिस्पॉन्स निकाला था जिसमें सेम इक्वेशन हमने फॉलो की थी और सेम टाइप ऑफ हमने जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो फॉलो की थी और फिर हमने एक्स एन, बिकॉज जब नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो एक्स एन की वैल्यू ज़ीरो होती है और उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करके हमने डिफरेंस इक्वेशन ऑब्टेन की फॉर द होमोजीनियस सॉल्यूशन और फिर स्टैंडर्ड होमोजीनियस सॉल्यूशंस को बेस मानते हुए हमने रूट्स निकाले कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट आए। फिर हमने जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जिसमें कि C1 एंड 1 फर्स्ट रूट रेज़ द पावर n प्लस C2 सेकंड रूट रेज़ द पावर n। अब हमें यहाँ पर ये C1 और C2 की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए हम डिफरेंस इक्वेशन में गए और वहाँ पे हमने नॉट इन डिफरेंस इक्वेशन, हमने जनरल फॉर्म इक्वेशंस को n इज इक्वल टू 0 पे कंप्यूट किया, n इज इक्वल टू 1 पे कंप्यूट किया। आफ्टर दैट वी रीच टू द डिफरेंस इक्वेशन और उस डिफरेंस इक्वेशन को लेकर के हमने n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कैलकुलेट की एंड हमने इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पर पुट किया और उसके बाद हमारे पास y0 की वैल्यू आई। इन द सेम मैनर वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y1 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y0 एंड y1 वी आर एबल टू कैलकुलेट द टू इक्वेशंस यूजिंग y0 एंड y1 और वो दोनों इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से आई और हमने इसको कैलकुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ C1 एंड C2 एंड आफ्टर दीज टू वैल्यूज वी आर एबल टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट C1 एंड C2 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 वी आर पुटिंग दैट वैल्यू इनटू द जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन वी आर गेटिंग yn। सो हमने yn जो यहाँ पर अचीव किया वो हम यहाँ नोट करते हैं कि yn की वैल्यू जो हमने न्यूमेरिकल्स में अचीव की, जो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट इज 2 यू एन माइनस 0.5 रेज टू द पावर एन यू एन। सो ये हमने इस प्रोसेस से फाइंड आउट किया। दूसरा जो इसमें पोर्शन था वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए था जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास इक्वेशन गिवन थी और इनपुट भी गिवन था और टेबुलर फॉर्म के थ्रू अगर इनपुट ये होता है तो हमने फाइंड आउट किया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। इन द सेम मैनर हमने होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया एंड आफ्टर दैट वी आर अचीविंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें हमने इनपुट की वैल्यू पुट की और हमारे पास वाई पी की जो वैल्यू थी वो पुट की। जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, वहाँ से आप इनका एनालिसिस देख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद, इन दोनों की वैल्यू को पुट करने के बाद, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने डिफरेंस इक्वेशन में पुट किया और उसके बाद हमने n इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की k की।
सो के की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो हमने उसको वाई पी में रखा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। तो उसके बाद हमें निकालना था फोर्स सॉल्यूशन, वाई एफ निकालना था हमें, बिकॉज वी आर लीडिंग टुवार्ड्स द फोर्स रिस्पॉन्स। सो हमने फोर्स सॉल्यूशन निकालना था वाई एफ। तो हमने यहाँ पर दोनों जो हमारे पास वाई एन आया था, दिस इज़ वाई एन, और यहाँ पर हमारे पास आया था वाई पी, इन दोनों को ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद हमने एल्जेब्रिकली वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज टू वैल्यूज हमने वाई एफ ओबटेन किया जो कि यहाँ गिवन है। इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर पुट करते हैं, वाई एफ हमने ओबटेन किया, वाई एफ एन दैट इज इक्वल टू माइनस टू यू एन प्लस वन बाय थ्री 0.5 रेज टू द पावर एन यू एन एन प्लस 8/3 टू रेज द पावर एन यू एन। नाउ अब हमें क्या निकालना था, टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन वाई एन इज इक्वल टू वाई विद द सबस्क्रिप्ट एन प्लस वाई एफ, दैट इज अ फॉर्मूला। सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी दैट इज यू एन माइनस 0.5 रेज टू द पावर एन यू एन। नाउ वाई एफ वी आर गोइंग टू पुट यू एन प्लस 1/3.5 वाई एन यू एन प्लस 8/3 टू रेज टू पावर एन यू एन। सो अगर हमें सेपरेटली फाइंड आउट नहीं करना है तो ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।